भक्तों, आज हम आपको माँ संतोषी की 16 शुक्रवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ कि माँ अपने भक्तों पर किस प्रकार दया करती है और प्रसन्न होकर भक्तों के घर किस प्रकार सुख संपत्ति की वर्षा करती है और रुष्ट होने पर अपने बच्चों को दंडित भी करती है। आइए देखते हैं इस कथा के माध्यम से। तो बोलिए संतोषी माता की जय। हम संतोषी माँ के व्रत की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम संतोषी माँ के व्रत की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवाला वरदान। बात पुरानी बहुत ही भक्तों तुम्हें बताऊंगा, माँ की दया की पावन गाथा तुम्हें सुनाऊंगा। प्राचीन काल में एक गांव में बुढ़िया रहती थी, सात थे बेटे सात बहुएं राज वो करती थी। 6 बेटे तो बड़ी लगन से मेहनत थे करते, बड़ी ही मेहनत करके पेट वो अपने थे भरते। 7वां छोटा बेटा कभी ना करता था कोई काम, व्यर्थ में वो भोजन करता और करता आराम। माता के हाथ से 7ों बेटे भोजन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बोलिए संतोषी माता की जय। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी ने कमरे में अचानक झांक कर देखा तो उसकी सासू माँ अपने 6 पुत्रों को बड़े ही प्यार से भोजन करा रही थी। उनका बचा हुआ जूठा भोजन माँ ने छोटे बेटे के लिए रख लिया। यह देख छोटी बहू हक्की बक्की रह गई। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। छोटी बहू ने सब जाकर पति को बतलाया, सुनकर पत्नी की बात उसका सिर चकराया। खुद अपनी आंखों से ना देखूं सच ना मानूंगा, क्या सच है क्या झूठ मैं ऐसे कैसे जानूंगा। अगले दिन फिर उसने देखा निकली बात सही, माँ की हरकत देख के आंखें खुली ही रह गईं। माँ ने 6 बेटों को पहले भोजन है कराया, बाद में बची हुई जूठन का लड्डू एक बनाया। खाने को लड्डू देती जब चले वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बोलिए संतोषी माता की जय। माँ की इस हरकत को देख
उसने भोजन करने से मना कर दिया और बोला कि अब मैं परदेश जाऊंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने कपड़े एक पोटली में बांध लिए। यह देख उसकी पत्नी मायूस हो जाती है। पत्नी को मायूस देख पति पत्नी से क्या कहता है, आइए देखते हैं। कथा के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं। बोला पति मायूस न होना, चिंता तुम ना करना, जाता हूँ परदेश, निशानी कुछ अपनी देना। बोली पत्नी पास न मेरे कुछ भी देने को, हाथ बढ़ाए गोबर से सन पति के पग छूने को, गोबर उसके दोनों पैरों में लग जाते हैं, लेकर आज्ञा घर से वह फिर वहां से जाते हैं। साहूकार के पास में जाकर काम वो करने लगा, घर में उसकी पत्नी का मन व्याकुल रहने लगा। घर में अत्याचार सासू के बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, पति के घर पर ना होने से उसकी सासू माँ के उस पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी कभी उस पर मार भी पड़ती थी। बेचारी बिना कुछ कहे वह प्रतिदिन जुल्म सहती जा रही थी। रोजाना पति के लौटने का इंतजार करती है, छुप छुप कर रोती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो बोलिए भक्तों, संतोषी माता की जय। रोज की तरह लकड़ियां लाने चली वो वन की बोर, एक जगह सुन माँ के भजन फिर जुड़ गई चित की डोर। उसने जाकर डरते हुए एक औरत से पूछा, बतला दो विधि माता की कैसे होती पूजा। 16 शुक्रवार व्रत माँ के हैं उसने किए, करने आई हूँ उद्यापन मन श्रद्धा भाव लिए। 16 शुक्रवार व्रत माँ के जो जन रखता, सुख संपत्ति पाए मात से खुशियाँ है पाता। आज भक्त हम सब मिल माँ की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, छोटी बहू उस औरत की बातें सुनकर मन ही मन ठान लेती है कि अब उसे भी माँ संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने हैं। वह अपने घर को आती है तो उसे अपने पति की चिट्ठी आने का शुभ समाचार मिलता है और साथ में भेजा हुआ धन भी प्राप्त होता है। तो बोलिए संतोषी माता की जय। जान गई वो माँ की महिमा, माता की भक्तिन, जाकर माता के मंदिर में करने लगी पूजन। विनती करी माता से, बोली पति को लौटा दो, चाहत ना है दौलत की, पति दर्शन करवा दो। सेठ से उसने मांगी छुट्टी, खूब है धन मिला, माता की ही कृपा से पति पत्नी से मिलने चला। माता की कृपा से साहूकार का धंधा चले,
16 शुक्रवार बहू के पूरन होने चले। वन में एक दूजे को देख चेहरे खिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो जब उसने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। करता तो क्या करता, सब किस्मत का खेल है, यह कह टाल देता है। दोनों घर को आते हैं, अगले ही दिन 16वां शुक्रवार था। दोनों ने मिलकर बड़े ही चाव से माता रानी के व्रत का उद्यापन किया और माँ संतोषी की बारंबार जय जयकार की। जय संतोषी माता। 12 जेठ जेठानी के सिर देख के थे चकराए, 16 पर 12 की गिनती कभी भी ना बढ़ पाए। मन ही मन में लगे सोचने कौन सी चलूं मैं चाल, हो गए हैं ये माला माल हो जावे दोनों हलाल। इनका उद्यापन मुझको अब खंडित करना होगा, बेटे से बोली ले दक्षिणा खाना खटाई होगा। मन में ले वो द्वेष भावना भंडारे में आई, माता के प्रसाद में जाकर मिला दी सबने खटाई। फिर माता जी के कोप से बचना पाते हैं, पापी बचना पाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार बोलिए संतोषी माता की जय। उनके द्वारा किए गए इस पाप से माँ क्रोधित हो गई और माँ ने उन सबको लूला लंगड़ा कर दिया। यह सब देख माँ से माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, माँ के पैरों में लेट जाते हैं। फिर माँ उनकी करुण पुकार से प्रसन्न होती है। आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। सुनकर विनती उन दोनों की माता हुई प्रसन्न, सारी व्यथा फिर दूर हुई, सब रह गए भारी दंग। सब लोगों ने मिलकर फिर उद्यापन करवाया, सारे ही परिवार पे हो गई माता की छाया। खुश होकर फिर माता ने उन्हें एक वरदान दिया, 16 शुक्रवार व्रत रहे उनका कल्याण किया। बड़ी दयालु बड़ी कृपालु माता संतोषी, जो भी आए माँ की शरण खिल बगिया जीवन की। तर जाते वो भक्त जो माता के गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों मेरी माँ संतोषी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। इनकी शरण में आने से और 16 शुक्रवार व्रत करने से सभी भक्तजन संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं
और सभी भक्तजन महामाई के श्री चरणों में स्थान पाते हैं, तो बोलिए संतोषी माता की जय। प्राचीन काल से चली रीत होता इससे कल्याण, 16 शुक्रवार व्रत सब करते हैं धर ध्यान। गुड़ और चने का भोग मात को अति मन भाता है, फिर प्रसाद तो हम भक्तों में बटवाया जाता है। माँ संतोषी की महिमा तो बड़ी है अपरंपार, पादर्शन सब भक्त है करते माँ की जय जय का। मिलता है संतोष शब्र माँ जिनका रखती ख्याल, नमन सदा करि माता को गाता है डीएस पाल। मुनेंद्र प्रेम जी मूरख से ज्ञानी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 16 शुक्रवार व्रत वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, रक्षा करने को माँ धरती पे आई है, माँ धरती पे आई है। भक्तों की रक्षा करने को माँ धरती पे आई है, माँ धरती पे आई है। जिसने भी इस माँ को पुकारा दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है। जिसने भी इस माँ को पुकारा दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी। इसका प्यार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है। बड़ी दयालु अति कृपालु संतोषी वरदानी माँ, संतोषी वरदानी माँ। बड़ी दयालु अति कृपालु संतोषी वरदानी माँ, संतोषी वरदानी माँ। पल में भाग्य पलट के रख दे जग जननी कल्याणी माँ, जग जननी कल्याणी माँ। पल में भाग्य पलट के रख दे जग जननी कल्याणी माँ, जननी कल्याणी माँ। ऐसे ये दातार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है।
जो भी आए शरण में इसकी सबको गले लगाती है, सबको गले लगाती है। जो भी आए शरण में इसकी सबको गले लगाती है, सबको गले लगाती है। बिन मांगे ही माँ संतोषी धन वैभव बरसाती है, धन वैभव बरसाती है। बिन मांगे ही माँ संतोषी धन वैभव बरसाती है, धन वैभव बरसाती है। सती करुण पुकार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है।